देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। और कोई काम धंधा नहीं है क्या इन लोगों को? सुबह सुबह पचल लगा दी, डर फट रहा है मेरा इस शोर से। अरे तू भी सुबह सुबह भक्ति करने लगा? मूर्ख, ये सब समय बर्बादी के साधन है। तुझे यहाँ से कोई बाहर नहीं निकाल सकता, ना तेरा खाटू ना तेरी देवी, तू यहीं इस शीशे में कैद रहेगा। लगता है इस घर में कुछ ज्यादा ही अंधभक्त है, अभी सब बंद करवाता हूँ। हे खाटू जी, रुचिता आपकी भक्ति में लीन है, उसे कुछ इशारा दीजिए, उसे बताइए कि उसके निहार जी मुसीबत में, कि मुझे उसकी जरूरत है। प्लीज खाटू जी, कोई इशारा दीजिए रुचिता को। रुचिता, खाटू जी, ये कैसा इशारा था आपका? और निहार जी कहाँ है? वो अभी तक पूजा में क्यों नहीं आए? बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय। ये क्या सुबह सुबह कीर्तन की बंडली बना रखी आप लोगों ने, पूरी नींद खराब कर दी। मैं क्या हुआ निहार जी, आप ठीक तो है ना? अरे इतने शोर में कोई कैसे ठीक रह सकता है? चैन से सो भी नहीं सकता इस घर में। ये क्या बदतमीजी है निहार? इतने सालों से इस घर में इस समय पे आरती होती है, एक तो खुद आरती में आए नहीं, ऊपर से हम पे चिढ़ रहे हो। हाँ निहार, क्या हो गया तुझे? कल से तेरा बर्ताव थोड़ा बदला बदला लग रहा है। सब्र कर, शांत हो जा, कहीं सब कुछ अपना हो जाए। सॉरी पापा, सॉरी दादी, वो एक्चुअली कल रात मैं रूम में पूरी रात ऑफिस का काम कर रहा था, ढंग से सो नहीं पाया, इसीलिए भजन की आवाज़ से थोड़ा सा इरिटेट हो गया। निहार जी, कोई बात नहीं, आप ही आरती लीजिए। क्या हो गया निहार जी, आप ठीक तो है ना? दिखाई फिकर, मेरा हाथ जल गया और तुम कह रही हो मैं ठीक हूं? तो इस आरती को यहां से। सरदर्द के साथ साथ तेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भगवान की आरती गिराने की? रिलैक्स दादी। अरे आप तो ऐसे चिल्ला रही है जैसे मैंने आपके भगवान की मूर्ति फेंक दी, आरती नहीं। निहार जी क्या बोल रहे हैं आप? निहार, ये बात अपनी जबान से निकाली की हिम्मत भी कैसे की तुमने? भगवान का अनादर करने की तुमने सोची भी कैसे?
गया आपको, आप क्या बोले जा रहे हैं सुबह से? पापा जी प्लीज प्लीज आप भी शांत हो जाइए ना, माफ कर दीजिए निहार जी को, उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए शायद उनके मुंह से गलती से निकल गया ये सब। पापा जी। बेटा तुम जाओ, जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है, नाश्ते के टाइम आ जाना। हाँ ये क्या हो गया है निहार को, भगवान के बारे में इस तरह की बातें उसने आज तक नहीं की। निहार जी का ऐसा बर्ताव और पूजा के वक्त मुझे वो आभास होना, क्या इन बातों का आपस में कोई मेल जोल है? देखा, बड़ा आया था हमारी भक्ति पर उंगली उठाने वाला, भगवान ने तुझे तेरे कर्मों की सजा दे ही थी, पर अभी तो ये शुरुआत है। ये सब उस देवी का किया था राय, उसी ने इस आरती से हमारा हाथ चलाया, अब देख उसके साथ हम क्या करते हैं। उस देवी की भक्ति न्यानी रुचिता को नाक को चने ना चपवा दिए तो हमारा नाम भी महिषा नहीं। खबरदार, जो मेरी रुचिता को कुछ भी किया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे खाटू श्याम जी, पता नहीं ये रुचिता के साथ क्या करने वाला है, प्लीज प्लीज मेरी रुचिता की मदद करना, उसकी रक्षा करना प्लीज। आज खाने को कुछ मिलेगा या इंसान भूखा ही मर जाए। शोर क्यों मचा रहे हो, ऋतु और रुचिता खाना लेके आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करो। सॉरी भाई, मैं तो बस खाने का इंतजार कर रहा था, सब्र नहीं हो रहा था इसीलिए। तो सब्र करना सीखो निहार, ये घर है होटल नहीं है, समझे? खाना तैयार है। सॉरी थोड़ी देर हो गई आज। अरे इट्स ओके, तुम बैठो, आज मैं तुम्हें सर्व करता हूँ। नहीं नहीं आजी, मैं सर्व करती हूँ ना। रुचिता प्लीज तुम बैठो, आज मैं तुम्हें खाना सर्व करूंगा। पता नहीं मेरे हाथ से दाल कैसे स्लिप हो गई। तुम ठीक तो हो ना? निहार तुमने ये जानबूझ के किया या गलती से हुआ? रिलैक्स पापा, जानबूझ कर नहीं किया मैंने। चिताब, तुम जाकर चेंज करके आ जाओ, फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। जी। थैंक गॉड ये दाल इतनी गर्म नहीं थी, वरना तुम पूरी जल जाती। देखो ना, सुबह पहले मेरा हाथ जला, अब तुम्हारा। तुझे तड़पाऊंगा, तभी तो तेरी देवी तड़पेगी और तुझे बचाने के लिए वापस आएगी। रुचिता को तकलीफ में देखकर निहार को खुशी क्यों हो रही है? कहीं इसने जानबूझकर तो दाल नहीं गिराई थी? चलो अच्छा है, देर से ही सही, मेरे बेटे को अकल तो आई।